नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद ऐसा ही का मामला छत्तीसगढ़ में भी सामने आया है। मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता कर नीट पेपर का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को पेपर और ओएमआर सीट बहुत लेट दिया गया। परीक्षा में 420 परीक्षार्थी थे जिसमें ओएमआर सीट की संख्या मात्र 160 थी। पूरी ओएमआर सीट नहीं होने के कारण समय से नहीं बांटी गई। परीक्षाओं को 1 घंटा विलंब से सीट बांटी गई जिसके कारण परीक्षार्थी कुछ लिख नहीं पाए। यह गड़बड़ी हुई है। मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। परीक्षा को रद्द करके कारणों का पता लगाया जाए और कड़ी कार्यवाही की जाए। पूर्व मंत्री भाई सी डहरिया उपस्थित हैं। अभी पूरे देश में नीट और यूजीसी नेट की परीक्षा की चर्चा पूरे देश में हो रही है और नीट के एग्जाम में बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें पेपर लीक ही नहीं बल्कि उसमें बहुत सारे गड़बड़ियां हुई है। उसमें एक गड़बड़ी हरियाणा के झज्जर शहर में जो घटना घटी थी और जिसमें परीक्षा केंद्र में जो क्वेश्चन पेपर है वो लेट पहुंचा और इस कारण से वहाँ के बच्चों को इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उसको बोनस अंक दिया गया और जिसके कारण से 67 बच्चे पूरा 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। ये पहली बार ऐसा हुआ। ये उसी प्रकार की घटना अभी हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जिला धमतरी केंद्र क्रमांक 520 महर्षि वेद व्यास शासकीय महाविद्यालय भखारा में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका विलंब से दिए जाने बाबत ये आवेदन वहाँ के जो परीक्षार्थी मेरे पीछे खड़े हैं वो लोग उपस्थित हैं, उनका ये आवेदन है और उनका ये कहना है कि एक तो पहली बात ये है कि हमको करीब 1.5 घंटे विलंब से ये पेपर मिला और हमको इसमें जो ओएमआर सीट है वो 1.5 घंटे विलंब से दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया है कि 420 परीक्षार्थी थे उसमें 420 प्रश्न पत्र और 160 ओएमआर सीट प्राप्त होने की जानकारी है। मतलब 400 बच्चे थे और ओएमआर सीट जो है वो केवल 160, तो इस कारण से ये विलंब हुआ और छात्रों ने मांग की कि हमको अतिरिक्त समय दिया जाए और ये भी बताया गया कि वहाँ जो परीक्षा नियंत्रक है वहाँ से परीक्षा नियंत्रक से बात की गई और उन्होंने देने से मना कर दिया। तो जो 400 जो बच्चे हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में प्रतिभागी बने थे और उनके साथ ये अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इनको भी झज्जर की तरह इसको बोनस अंक दिया जाए बल्कि इन बच्चों के फिर से परीक्षा ली जाए क्योंकि उनको 1.5 घंटा ही समय मिल पाया था। दूसरी बात ये है कि आखिर जब 400 छात्र वहाँ थे तो 160 ओएमआर सीट कैसे पहुँचा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरे देश में जिस प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आयोजित परीक्षा है उसमें भी हमारे धमतरी जिले के बखारा केंद्र में हमारे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, तो इसमें कार्रवाई, मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि इन छात्र निर्णय भी लिया जाए तत्काल और कार्रवाई भी की जाए ताकि इन 400 छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो।